जय माता दी दोस्तों, विंध्याचल धाम की जय। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं विंध्याचल धाम, मैं और मेरे मित्र दो लोग। हम यहाँ माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए थे और विंध्याचल के अन्य मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। हम सुबह 7 बजे के करीब विंध्याचल की माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर चुके हैं। अब हम लोग काली खोह जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है। हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे, तो फ्रेंड्स चलते हैं, दर्शन करते हैं। पूरे दर्शन करने के लिए वीडियो पर बने रहें, आगे की जानकारी बीच बीच में बताई जाती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हम काली खोह पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ी दूर पर हम रुकेंगे और दुकान पर अपना सामान रखकर प्रसाद लेंगे और लाइन में लगकर दर्शन करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक जानते हैं काली खोह मंदिर के बारे में। खिचड़ी मुद्रा में है माँ काली खोह का स्वरूप। माँ विंध्यवासिनी मंदिर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित माँ विंध्यवासिनी का महाकाली स्वरूप स्थित है। काली खोह में स्थित महाकाली स्वरूप खिचड़ी मुद्रा में है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि रक्त बीज दानव ब्रह्मा के आशीर्वाद के बाद स्वर्ग लोक से ब्रह्मा विष्णु व महेश सहित अन्य देवताओं को भी भगा दिया था। रक्त बीज दानव को आशीर्वाद था कि उसका एक बूंद खून जमीन पर गिरेगा तो लाखों दानव पैदा होंगे। ब्रह्मा विष्णु व महेश सहित अन्य देवताओं के आग्रह से माम विंध्यवासिनी ने महाकाली स्वरूप धारण करके रक्त बीज दानव का वध किया, ताकि एक बूंद रक्त जमीन पर न गिरने पाए। ऐसा माना जाता है कि माँ काली ने अपनी जीभ को पूरी जमीन पर फैला दिया और सारा खून चाट लिया और उनके सारे प्रतिरूपों को निगल लिया। काली खोह आसमान की तरफ देख रही हैं, जहां माँ काली अधिकांश मंदिरों में देवी की मूरत का मुख सामने की तरफ होता है, लेकिन एक ऐसा मंदिर भी है जहां माँ काली देवी का मस्तक ऊपर आकाश की ओर है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहां माता काली खिचड़ी मुद्रा में है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अपने इस अनोखेपन के लिए प्रसिद्ध है। जो कोई भी यहाँ की विचित्रता की कहानी सुनता है, वह इस विंध्य पर्वत की ओर खींचा चला आता है। माँ काली का यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, जहाँ माँ काली का यह धाम विंध्याचल पहाड़ियों की गुफाओं में स्थित है, जिसे काली खोह के मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ हरिया भरी खूबसूरत पहाड़ियों के बीच एक गुफा में स्थित काली खोह का यह मंदिर बहुत रहस्यमयी है, जहाँ देवी की मूर्ति खिचड़ी मुद्रा में स्थापित है। माँ काली की आसमान की ओर देखती हुई मूर्ति को जो कोई भी देखता है, अचंभे से देखता रह जाता है। इस मंदिर की काली माँ की विचित्र मूर्ति की पौराणिक कहानी बद्धी दिलचस्प और अनोखी है, जो शक्ति स्वरूपा माँ काली की धरतीवासियों के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और धीरे धीरे माँ के दरबार में पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिस लाइन में हम लगे हैं, उसे लाइन में लगकर आप माँ के दरबार में जा सकते हैं, और इसी लाइन के पास से ही लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता पहाड़ों पर है, इस रास्ते से हम पहाड़ों पर जा सकते हैं। रास्ते में भैरव जी का मंदिर और एक अद्भुत कुआं मिलता है, जिसमें सभी लोग जल ग्रहण करते हैं, और उसके बाद उसी रास्ते से पहाड़ों से होकर आगे जाते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। आप देख रहे होंगे लाइन के बगल में भाइयों से कुछ लोग जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो काली को मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। अब यह लोग आगे जाएंगे और पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे। रास्ते में पहाड़ों पर बहुत सारी चीज देखने वाली है। हम लोग उन सभी चीजों के भी दर्शन करेंगे। आगे चलकर पहाड़ों पर पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया है, जहां से सभी लोग आते जाते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम मंदिर के बहुत ही निकट पहुंच चुके हैं। यह सामने जो मंदिर दिख रहा है आगे की ओर, यही माताजी का मंदिर है। हम लोग करीब आधे घंटे से ज्यादा लाइन में लगकर अब माँ के दरबार पहुंचने वाले हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, इसलिए थोड़ी भीड़ कम है। जय माँ काली।
फ्रेंड्स काली खोह मंदिर के दर्शन करने के बाद सभी लोग इस कुएं के जल को पीते हैं, जिससे कितनी भी प्यास लगी हो प्यास बुझ जाती है और बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कभी आपको यहाँ आने का अवसर प्राप्त हो तो इस कुएं के जल को अवश्य ग्रहण करें। यह जल अन्य जल की अपेक्षा बहुत ही अच्छा और अलग है। अब हम लोग इश्क में के जल को पीने के बाद आगे के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे और भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद फिर से उसी दुकान पर पहुंचेंगे और अपना सामान लेकर बगल के रास्ते से अंदर आएंगे और पहाड़ों पर चढ़कर आगे के मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम पहाड़ों पर चलेंगे और यह देखेंगे कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ है। जय माता दी।